कर हम लोग आज देव दीपावली मना रहे हैं। चलिए, देव दीपावली बिहार के मधेपुरा सिंहेश्वर मंदिर में मनाया जा रहा है। तस्वीर थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए, किस तरीके से लगातार जुड़ी आ गई है अपने माँ के साथ। मम्मी है आपकी? नहीं, आंटी है। आंटी जी हैं। ये बताएं कि आपने कितना दिया जलाया? 10-15 बस। 10-15 बस। कैसे देखते हैं आज के दिन को? त्रिपुरासुर नाम के दानवों का वध बाबा भोलेनाथ ने किया था, वो कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के रोज ही किया था। थोड़ा नज़ारा घुमा के दिखा दीजिए, किस तरीके से कितना खूबसूरत दिख रहा है। हालांकि दीपावली का त्यौहार आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को दर्द सहने का साहस प्रदान करे। आप भी कितना दिया जलाई आप? 101। अच्छा, कितना खुश है आज के दिन? आज का दिन बहुत खुश है, बीत चुका है, लेकिन आज जो है देव दीपावली 2023 बिहार के मधेपुरा और सिंहेश्वर मंदिर में भव्य तरीके से मनाया। देवता जी महादेव जी विजय प्राप्त करके आए हैं, उनके खुशी में दीपावली देव दीपावली मनाया गया, वही दीपावली मना रहे हैं हम लोग। और बाबा के नगरी सिंहेश्वर में है, यहाँ पे हजारों की संख्या में हमारी माता और बहन दीप जलाई है। और देखिए श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में देव दीपावली 2023 27 नवंबर 2023 सिंहेश्वर धाम मधेपुरा बिहार। और ये सिंहेश्वर मंदिर है जहाँ पे हर साल लाखों करोड़ों लोग पूजा करने के लिए आते हैं, सावन का सोमवारी हो या फिर जो है यहाँ पे जो मेला लगता है वहाँ लोग आते हैं। और पंडित जी है, काफ़ी चर्चित है। पंडित जी बताएं कि आज जो महिलाएं बूढ़े बच्चे जवान सारे लोग आ रहे हैं, देव दीपावली मनाई जा रही है, सर क्या आज के दिन की क्या खासियत है? जरूर, आज का दिन जो है वो त्रिपुरासुर नाम के दानवों का वध बाबा भोलेनाथ ने किया था, वो कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के रोज ही किया था और उसी रोज से देव दीपावली का परंपरा सबसे पहला काशी में मनाया गया और उसके बाद पूरे दुनिया में मनाना शुरू हो गया। तो आज का दिन जो है वो विजय प्राप्त करके आए थे महादेव जी, तभी से देव दीपावली मनाया जाता। रही बात सिंहेश्वर में, जब से श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन ने अपना बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्य में योगदान दिया है, तब से यहाँ देव दीपावली का परंपरा शुरू हुआ है। अच्छा, तो ये मतलब जो भी जो हमारे जो सिंहेश्वर धाम जिनका घर है वो सारे लोग आते हैं और सारे लोग इस दिए को जलाते हैं? जरूर, सभी घर से कुछ ना कुछ लोग आते हैं और कम से कम एक भी दिया जरूर जलाते हैं। हाँ। जैसे आज 2100 दिया जला है। अच्छा। चूँकि आज का जो टारगेट था हम लोगों का 2100 ही नहीं था, वो 11,000-15,000 जाता है, लेकिन एक क्या कहा जाए बहुत बड़ी घटना हमारे समाज में घटी है। क्या घटना? क्या घटी? वही बता रहे हैं आपको, जो हमारे ही संस्थान के सक्रिय एकदम सामाजिक कार्यकर्ता थे अरविंद मिश्रा जी, वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को दर्द सहने का साहस प्रदान करे। ये हमारे तरफ से उनको उनके परिवार के प्रति सद्भावना है। सर, 2 मिनट का मौन धारण भी सर आप लोग किए? जरूर जरूर, उनको 2 मिनट का हम लोग मौन धारण करके श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए हैं ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। अच्छा, तो कुल मिलाकर कहे तो जो आज का दिन जो है बड़ा खास दिन है, ये पूरे देश प्रदेश में जो है आज मतलब जो है जो मंदिर है उसमें जो दिया जलाया जाता है, मंदिर ही नहीं हर एक जगह दिया जलाने का, देव दीपावली अपने अपने मतलब गोसाई घर भी होता है तो उसमें भी देव दीपावली मनाया जाता है, चाहे 5 ही दिया क्यों ना जलावे, वो जलाते ही होंगे और जला रहे हैं। सर, कुछ ही दिन पहले तो दीपावली का त्यौहार बीता है, उसके बाद छठ का त्यौहार, लोक आस्था का महापर्व छठ है, तो क्या मतलब दीपावली के बाद जो है आज के दिन को काफ़ी भव्य तरीके से मनाया जाता है? हाँ, वो दीपावली हम लोगों का दीपावली है, मानवों का है, ये देवता का दीपावली है। अच्छा। देवता जी महादेव जी विजय प्राप्त करके आए हैं, उनके खुशी में दीपावली देव दीपावली मनाया गया, वही दीपावली मना रहे हैं हम लोग। तो सर, जो मतलब जो इस त्यौहार को मनाने आई जो हमारी माता बहन आई, उनसे सर क्या कहना चाहते हैं? इसी तरह आवे प्रत्येक साल और लाखों की संख्या में आके
देव दीपावली का आनंद ले और अपने घर से दीप लावे और दीप जलावे अपने परिवार के नाम से देव दीपावली। यानी एक दीप आज के दिन जलाना ही चाहिए, एक दीप जलाना ही चाहिए देवता के नाम से। तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से बाबा के नगरी सिंहेश्वर में है और कई सारी जो हमारी बहन माता बहन सारे लोग आ रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं और भव्य तरीके से यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पे नज़ारा हम आपको बिहार के सिंहेश्वर मंदिर का दिखा रहे हैं। और देखिए श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन जो है हमेशा से बढ़ चढ़ कर सभी काम काज में जो है आगे रहते हैं और ऐसे में जो उनके तमाम जो है उनके जो कर्मी हैं जो उनके इन कामों को लगातार करते रहते हैं। ये बताएं कि देख रहे हैं कि एकदम भव्य तरीके से थोड़ा नज़ारा घुमा के दिखा दीजिए किस तरीके से कितना खूबसूरत दिख रहा है। हालांकि दीपावली का त्यौहार बीत चुका है लेकिन आज जो है देव दीपावली 2023 बिहार के मधेपुरा और सिंहेश्वर मंदिर में भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। ये बताएं कि क्या है आज के दिन की खासियत, हालांकि पंडित जी तो बता दिए लेकिन ये बताएं कि आप लोग श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के सदस्य हैं, इन दिनों को कितना खास मानते हैं आज के दिनों को? देखिए हम लोगों के लिए आज का दिन खास है, मान्यता है कि इसी दिन देवता लोग ने जो है हमारे आराध्य हैं देव दीपावली मनाए थे तो उन्हीं को हम लोग देखते हुए देव दीपावली मनाते हैं। हर साल बाबा नगरी सिंहेश्वर के शिवगंगा पोखर पे दीप जलाया जाता है देव दीपावली कार्तिक पूर्णमास के रोज पूर्णिमा में। आज 2100 दीपों का सभी कार्यकर्ता के द्वारा यहाँ पे जलाया गया। 2100? हाँ। देखिए एक बहन भी आ गई है अपने माँ के साथ, मम्मी है आपकी? नहीं, आंटी है। आंटी जी हैं। ये बताएं कि आपने कितना दिया जलाया? 10-15 बस। 10-15 बस। कैसे देखते हैं आज के दिन को? देव दिवाली के बस मतलब एक होता है ना अच्छा त्योहार की तरह, वही दिवाली की तरह मतलब त्योहार के तरीके से आप लोग मना रहे हैं। हाँ। आंटी जी क्या कहेंगे, आप भी कितना दिया जलाई आप? 101। अच्छा अच्छा, कितना खुश है आज के दिन आप? आज का दिन बहुत खुश है, दीपावली का दिन है। अच्छा अच्छा, 100 दिया आपने जलाया और आपने कितना जलाया? 10-15 मात्र। 10-15 जला दिए हैं। तो देखिए जो भी लोग आ रहे हैं वो 10-15-20-50 जला रहे हैं और इसी तरीके से ये आंकड़ा जो है 2100 हो जाता है। बिहार के मधेपुरा से आते हैं सर, क्या कहेंगे आज के दिन, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को देव दीपावली के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज का दिन यह भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही गौरवान्वित दिन है, यूँ कहे कि ऐतिहासिक दिन है। हम सनातन देश में रहते हैं, कहते हैं कि आज ही के दिन हमारे देवी देवताओं ने दीपावली मनाया था जिसके उपलक्ष में हम सभी भारतवासी सिंहेश्वरवासी श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन बैनर के तले हर साल यहाँ कई सालों से दीपावली यानी दिया जलाकर हम लोग उसके याद में कहते हैं कि वो हमारी संस्कृति हमारी जो धरोहर है। देव दीपावली बिहार के मधेपुरा सिंहेश्वर मंदिर में मनाया जा रहा है। तस्वीर थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए किस तरीके से लगातार जो लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं, जो सिंहेश्वर वासी है वो लगातार आ रहे हैं और एक एक दिया जला रहे हैं और ये आंकड़ा 2100 हो गया है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से सिंहेश्वर मंदिर जो बाबा की मंदिर है और यहाँ पे जो धाम है यहाँ लोग आते हैं उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। और ये तस्वीर हम आपको बिहार के सिंहेश्वर मंदिर की दिखा रहे हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।